हमारे जीवन में भी देखो कितनी सारी, कभी सुख के दिन आते हैं, कभी दुख के दिन आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जब दुख आता है तब हमको सहन नहीं होता है, लेकिन जो दुख आया है वो भी चले जाने वाला है और जो सुख आया है वो भी चले जाता है। कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, सब सब टेम्पररी है। आप परमानेंट हो, आप खुद, आपका रियल स्वरूप जो आत्मा है वह परमानेंट है, वो शाश्वत है, उसको पहचानने का है। जब दुख आता है तो भी हमें सहन नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि अभी एक हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख के दिन देखो और दुख के दिन देखो, अपनी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में आज तक देखो तो कितने दुख दुख के दिन आए और चले गए। बहुत करीब के रिश्तेदार चल बसे तो भी हम उस समय हमको बहुत दुख लगा, सहन नहीं हो उतना, फिर हौले हौले वो दुख कम होते 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 निकल जाता है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे सुख के दिन भी बहुत आते हैं, जैसे सबके सबसे ज़्यादा सुख का दिन गृहस्थी जीवन में जीने वाले के लिए शादी का होता है। अपनी खुद की शादी होती है तो कितना सुख लगता है, नहीं? उस दिन तो सारी दुनिया का राजा है, दूल्हे राजा, दूल्हे राजा कहते हैं ना, उस दिन तो हर किसी को दूल्हे राजा का, हर कोई उसको दूल्हे राजा को इतना मान देते हैं, इतनी सारी चीज़ें, खाना पीना कपड़े गहने सब कुछ इतने दूल्हे राजा को देते हैं, सारा दुनिया का बादशाह हो जाता है उस दिन, राजा हो जाता है। बारात निकलती तो हर कोई उसको देखने को आते है, रोज देखता है, अपने पड़ोस में रहते हैं ना, मंशा मौसी रोज देखती है। लेकिन उस दिन वो बारात में निकला ना सज धज के, तो दोबारा दौड़ती दौड़ती आती है कि भाई कैसा दिखता है दूल्हे राजा, मेरा पड़ोसी कैसा दिखता है आज। वही का वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस दिन उसको इतना मान मिलता है, इतने रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी इतनी खुशी, ऐसी खुशी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं मिलती है जितनी शादी के दिन मिलती है। फिर शादी होने के बाद दूसरे दिन क्या होता है, दूल्हे राजा में से दुल्हन राजा हो जाती है, उसका राज शुरू हो जाता है, फिर दूल्हे का कुछ राज बाद नहीं, फिर तो सारी जिंदगी गुलाम बनना पड़ता है। जो मांगे सो हाजिर करना पड़ता है, जो मांगे सो हाजिर। आज चावल खत्म हो गए, हाजिर। आज तेल खत्म हो गया है, हाजिर। आज मुझे नई साड़ी चाहिए, हाजिर। क्या हाजिर नहीं करना पड़ता है, अरे ये बंदा भी हाजिर, सारी जिंदगी भर गुलाम। ऐसा जीवन है, वो भी दिन चले जाते हैं, खुशी के दिन भी चले जाते हैं, सब कुछ आता है जाता है, आता है जाता है। लेकिन आप, आपका रियल स्वरूप, आप जो रियल में है, वो उसमें कोई फर्क नहीं, आप तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। आप ना कभी कुछ आप में कोई फर्क होता है, ना आप कहीं आते हैं ना जाते हैं ना कुछ, आप हमेशा इन सारी चीज़ों को जानने वाले बने रहते हो। आप साक्षी, आपकी साक्षी कभी जाती नहीं है, आप साक्षी के रूप से हमेशा वहाँ के वहीं के वहीं हो। इसको स्वरूप को पहचानने का है कि वो स्वरूप जो है, जो हमेशा वही का वही है, वह रियल स्वरूप क्या है, कैसा है। Everything is changing, changing, changing. Your true self never changes. Witnessing all the time whatever is going on throughout life. ये जन्म की तो बात नहीं, लेकिन जन्मों जन्म भी आपका जो आत्मस्वरूप है उसमें कोई फर्क नहीं होता है।